नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो प्रेगा न्यूज़ होती है उस किट से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं और जो रिपोर्ट आती है निगेटिव और पॉजिटिव उसको कैसे टेस्ट करते हैं। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जो जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, जो प्रेगा न्यूज़ होती है इससे प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया जाता है। पहली चीज़ होती है जो प्रेगा न्यूज़ है, आपके पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद आपको प्रेगा न्यूज़ किट का यूज़ करना चाहिए, उससे जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल करेक्ट आती है। दूसरी चीज़, आपने जब भी रिलेशनशिप बनाया हो उसके 4 हफ्ते बाद अगर आप प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। प्रेगा न्यूज़ से जब भी आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं उस वक्त आपको कौन सी यूरिन का सैंपल लेना चाहिए, उस वक्त आपको जो मॉर्निंग की आपकी फर्स्ट यूरिन होती है उसका सैंपल लेना चाहिए, उससे जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल करेक्ट आती है। अगर आप मॉर्निंग में ये टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दिन में ही टेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी जो यूरिन है उसको थोड़ी देर होल्ड करना होगा। जो होल्ड यूरिन होती है उसके सैंपल से अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल सही आएगा। जब भी आप प्रेगा न्यूज़ यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आपको अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पर मैंने पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 वीक या 2 वीक मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आप कैसे जान सकते हैं कि आप प्रेगनेंट हैं या नहीं हैं। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने जो प्रेगा न्यूज़ किट है वो ले ली है, अब हम इससे टेस्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर भी लिखा है, अगर आप देखेंगे कि जो सैंपल है वो आपको मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसका सैंपल लेना चाहिए, उसकी 3 जो ड्रॉप्स होती हैं ड्रॉपर की हेल्प से वो आपको डिवाइस के ऊपर गिरानी है और 5 मिनट के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम इसको ओपन करेंगे। देखिए, इसको हमने ओपन किया। अब इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है, डिवाइस। देखिए इसमें क्या है, डिवाइस। इसमें इसके अंदर और है, एक ड्रॉपर है और एक सिलिकॉन बैग है। देखिए ड्रॉपर है और ये सिलिकॉन बैग है। इस ड्रॉपर की हेल्प से आपको जो 3 बूंदें हैं वो डिवाइस के ऊपर गिरानी है और उसके बाद प्रोसेस होगी और रिज़ल्ट आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा सैंपल तैयार है। ये जो सैंपल है देखिए, हमने ड्रॉपर में ले लिया है। 3 बूंद लेनी है तो देख लीजिएगा ड्रॉपर में आई हैं या नहीं आई हैं। ये ड्रॉपर में हमने ले ली सैंपल। अब हम इस सैंपल को डिवाइस पे गिराएंगे, सिर्फ 3 बूंद, 1, 2 एंड 3। ये 3 बूंदें हमने इस पे गिरा दी। अब देखिए जो प्रोसेस है वो होगी, ये लाइव टेस्ट है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता रिज़ल्ट क्या आएगा, तो देखते हैं रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। चलिए, ये देखिए प्रोसेस चल रही है। इसमें टी और सी लाइंस हैं, अगर आप पॉजिटिव होगा रिज़ल्ट तो दोनों लाइन पिंक आएंगी, निगेटिव होगा तो एक लाइन पिंक आएगी। देखिए इसमें हल्की हल्की एक लाइन आनी शुरू हो गई है, जिसका मतलब है रिपोर्ट निगेटिव है। थोड़ी देर का आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद देखिए पूरी जो डिवाइस है वो क्लियर हो गया है। इस पर जो रेड लाइन है वो भी क्लियर दिख रही है। अगर इस पे 2 रेड लाइन होती तो इसका मतलब होता पॉजिटिव, बट इसमें सिर्फ 1 लाइन है और वो भी सी के पास है, तो इसका मतलब होता है रिपोर्ट निगेटिव है। अगर आपकी टी के पास सिंगल लाइन आती है तो ये इनवैलिड होता है और आपको वापस से टेस्ट करना होता है। आशा करते हैं हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।